साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी नीर का निर्माण फिर। आइए कहानी सुनते हैं। स्कूल से लौटते हुए पिंकी ने दूर से ही देखा कि दरवाजे के सामने ऑटो खड़ा हुआ है। उसे जरा कौतूहल भी हुआ क्योंकि इस घर में मेहमान तो कभी आते ही नहीं थे। उसने तेजी से पैडल मारना शुरू किया पर पास पहुंचते पहुंचते उसकी सारी उत्सुकता समाप्त हो गई। मन खट्टा हो गया। ये तो वही बरेली वाले अंकल है, पता नहीं यहाँ क्यों चले आते हैं जबकि यहाँ कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। बस एक नानी ही थोड़ी बहुत लिफ्ट देती है। उसका कहीं इतना अपमान हो तो वह उस घर की ओर झाकर भी ना देखे, पर इन्हें देखो जब तब मुंह उठाए चले आते हैं। मन की सारी हिकारत चेहरे पर ओढ़कर वह गेट के सामने तनकर खड़ी हो गई। सोच लिया कि आज इन्हें बाहर से ही विदा कर देगी, कह देगी मम्मी आज देर से आने को कह गई है, नानी का भी मामा जी के यहाँ जाने का प्रोग्राम था। अंकल नीचे उतरकर शायद चिल्लर के लिए जेब टटोल रहे थे। पिंकी उनसे कुछ कहती इससे पहले वे ही बड़े अधिकार से बोले, पिंकी जरा नानी से रुपए के चिल्लर तो लाना। कितनी चाहिए? उसने अनायास पूछ लिया। 40 पैसे। जब तक वह अपना छोटा सा बटुआ खोलकर पैसे निकालती, अंकल अटैची उठाकर दंदनाते हुए गेट के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया, भला इतना सौजन्य बरतने की क्या जरूरत थी। पर सच तो यह था कि अंकल के बदले हुए तेवर ने उसे हैरत में डाल दिया था। आज तो उनका नक्शा ही और था, हमेशा वाली बेजागी का तो कहीं पता ही नहीं था। रिक्शा वाले को पैसे देते हुए वह अपने को बुरी तरह कोस रही थी। अब उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गेट पर से ही लौट जाए, 2-3 घंटे किसी सहेली के यहाँ गुजार दे। वैसे भी तो मम्मी उसे कहीं ना कहीं भेज ही देती है, इससे तो अच्छा है खुद ही चली जाए। भीतर जाकर भी क्या करना है, वही हमेशा वाला सीन होगा। अंकल एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे होंगे, सामने वाली कुर्सी पर नानी बैठी जार जार रो रही होगी। फिर मम्मी की एंट्री होगी, वे या तो मुंह फुलाकर कमरे में चली जाएगी या फिर महाभारत शुरू कर देगी। पैरों को किसी तरह घसीटते हुए पिंकी भीतर आई तो देखा वहां नजारा ही बदला हुआ है। अंकल इत्मीनान से सोफे पर बैठे जूते खोल रहे थे। नानी पास खड़ी क्षमा याचना के स्वर में कह रही थी, शीला तो अब तक लौटी नहीं, आज देर से आने का कह गई है, पहले से पता होता तो। मैंने सुबह फोन किया था। पिंकी चुपचाप कमरे में खिसक आई। सुबह 1 नहीं 2 बार फोन आया था, दोनों बार पिंकी ने ही रिसीव किया था। पहली बार मम्मी नहा रही थी, दूसरी बार वे अपनी लूना स्टार्ट कर रही थी। पिंकी ने फोन पर बड़ी बेरुखी से बात की थी, उसे इस आदमी से ही नहीं उसकी आवाज तक से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने बड़े बेमन से मैसेज लिया था और बड़ी आसानी से उसे भूल गई थी। सच जिंदगी कितने मजे से गुजर रही थी कि 1.5 साल पहले यह शख्स एक हादसे की तरह घर में दाखिल हुआ। घर में जैसे कोहराम मच गया। पिंकी को ढील ढाल कर पड़ोसी के यहाँ भेज दिया गया, पर वह बच्ची नहीं थी। लौट कर भी उसने वातावरण के तनाव को सूंघ लिया था। उसके बाद तो जैसे यह सिलसिला ही शुरू हो गया। जब भी वे आते घर को एक अजीब सी बदहवासी से भर देते। मम्मी तो उस समय पहचानी नहीं जाती। उनके चले जाने के बाद भी कितने ही दिनों तक वैसी ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल बनी रहती। या तो नानी से हफ्ते भर के लिए बोलचाल ही बंद हो जाती या फिर दोनों रात दिन लड़ती रहती। मम्मी नानी से कहती, तुमने ही उसे शह दी है तभी उसे हौसला हुआ है, नहीं तो इधर आंख उठाकर देखने की भी उसकी जरूरत नहीं थी। हैरान परेशान पिंकी ने आखिर एक दिन पूछ ही लिया। मम्मी से पूछने का तो सवाल ही नहीं था, नानी से ही पूछा, नानी ये कौन है, हमें तंग करने बार बार क्यों आ जाते हैं? नानी थोड़ी देर तक सोचती रही फिर बोली, बेटे ये तुम्हारे अंकल है, बरेली में रहते हैं। पर यहां क्यों आते हैं? इस बार भी नानी को कुछ सोचना पड़ा, फिर बोली, क्या पता कोई जमीन जायदाद का मामला होगा, नहीं तो इतने चक्कर कोई क्यों काटेगा। नानी उन्हें जो भी चाहिए दे दिलाकर रवाना करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कहो कि हमारा पीछा छोड़ दे।
पिता के परिवार से पिंकी को जरा भी लगाव नहीं है, बल्कि उन लोगों से वितृष्णा सी हो गई है। जो व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर विदेश चला गया है, यही नहीं उसने अपना नया घर भी बसा लिया है, ऐसे व्यक्ति को पिता कहते उसे शर्म आती है। और जब पिता से ही कोई सरोकार नहीं रहा तो उसकी जायदाद की औकात ही क्या है। उसे किसी की खैरत नहीं चाहिए, दाल रोटी मजे से चल रही है, चलती रहेगी। अब उसकी समझ में आया कि इस आदमी को देखते ही उससे आंख सी क्यों लग जाती है। पिता की जो धुंधली सी आकृति उसके स्मृति पटल पर अंकित थी, उससे इस व्यक्ति का चेहरा बहुत मिलता था, भाई जो ठहरा। एक बार उसने मम्मी से भी हिम्मत करके अपने मन की बात कह दी, मम्मी ये बरेली वाले अंकल हर महीने दो महीने बाद दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, इन्हें जो चाहिए दे दिलाकर छुट्टी कर दो। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि एक करारा तमाचा उसके गाल पर पड़ा, हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी है? मम्मी चीखी, ये उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन सिखाता है? सिसकती हुई पिंकी को अपने अंख में भरते हुए नानी ने कहा, मैं सिखाती हूँ, अब चाहो तो मुझे भी सजा दे दो। तुमसे लड़कर क्या पार हो सकूंगी मैं, पर यह सब कहने की क्या जरूरत थी? कुछ तो कहना ही था, वह दूध पीती बच्ची तो नहीं है, उसके दिमाग में भी तो 100 तरह के सवाल उठते हैं, नानी ने कहा। वह तो है ही पुरखिन, रही सही कसर तुम पूरी कर रही हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। गेट पर लूना की आवाज आते ही पिंकी चौकन्नी हो गई, उसके कान बाहर ही लगे रहे, वह अपनी जगह से नहीं हिली। वह किताबें पढ़ने का नाटक करती रही, पर एक अक्षर उसके दिमाग में नहीं उतर रहा था। वह प्रतिक्षण बाहर के हंगामे की प्रतीक्षा कर रही थी, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। मम्मी शायद आज कुछ दूसरे ही मूड में है, अब मुंह फुलाकर भीतर आएगी और अपने पलंग पर निढाल होकर पड़ी रहेगी। नानी बार बार आवाज देगी पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मम्मी भीतर तो आई पर वे शायद एक तीसरे ही मूड में थी। आते ही कड़क कर बोली, यहां आकर पसर गई हो, बाहर एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती क्या? मैं भी स्कूल से थककर आई हूं, अब तक किसी ने चाय तक के लिए नहीं पूछा है। बड़ी लाट साफ हो गई हो, अपने आप बनाकर नहीं पी सकती? अम्मा ने बहुत सर चढ़ा रखा है। पिंकी भुनभुनाती हुई उठी, पैर पटकते हुए किचन में गई और 2 गिलास पानी बाहर रखकर चली आई। जब वह लौट रही थी तो मम्मी ने फिर कड़क कर पूछा, सुबह फोन आया था, बताया क्यों नहीं? याद नहीं रहा, उसने लापरवाही से कहा और वापस कमरे में आकर पड़ रही। उसे मम्मी पर बेहद गुस्सा आ रहा था, कम से कम इस आदमी के सामने तो उसे बेइज्जत ना करे। नानी किचन में पहुंच गई थी और पकौड़े तलने की खुशबू सारे घर में फैल रही थी। उस महक से पिंकी की भूख और तेज हो गई, पर वह मन मारकर वहीं पड़ी रही। अगर दूसरों को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी नदीतों की तरह रसोई में नहीं झांकेगी। थोड़ी देर बाद मम्मी फिर कमरे में आई, मुंह हाथ धोकर उन्होंने जूड़ा बनाया, हल्का सा मेकअप करके एक प्यारी सी साड़ी पहन ली। पिंकी कनखियों से चुपचाप उन्हें तैयार होते देखती रही। बाहर जाते हुए मम्मी ने जैसे दीवार को सुनाकर कहा, हम लोगों को लौटने में देर हो सकती है, खाने पर इंतजार मत करना। पिंकी के कान एकदम खड़े हो गए, तो क्या मम्मी अंकल के साथ बाहर जा रही है? नहीं तो हम लोग का मतलब क्या है? उसे तो सोचकर ही झुरझुरी हो आई। वैसे पिछले दिनों में एक बात पिंकी ने नोटिस की थी, मम्मी का रुख कुछ नरम हो चला था, शायद यह नानी की सीख का ही असर हो। नानी को उसने अक्सर कहते सुना है, कल को पिंकी की शादी करनी है कि नहीं, तब कन्यादान कौन करेगा, और तुम्हें परेशानी क्या है? समझौते का प्रस्ताव तो उधर से आया है, तुम्हारी नाक तो नीचे नहीं हो रही ना। पिंकी की शादी अभी कौसो दूर थी, पर नानी को अभी से उसकी चिंता हो गई थी। पर एक बात पिंकी ने मन में ठान ली थी, अगर पिता के पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी शादी में शरीक हुआ तो वह मंडप छोड़कर भाग जाएगी। उसका बस चले तो वह यह ऐलान आज ही कर दे, पर मम्मी के डर से चुप रह जाती है। लगता है नानी के बार बार तकाजे के आगे मम्मी ने हथियार डाल दिए हैं और अब वे समझौते की शर्त तय करने के लिए बाहर गई है। घर में तो ढंग से बात हो ही नहीं सकती, नानी तो जैसे शुरू से ही विरोधी खेमे में मिल गई है।
उन लोगों को विदा करने के बाद नानी को उसकी याद आई। क्या बात है बिटिया, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? पता नहीं नानी, पर इस आदमी को देखती हूँ तो मेरी भूख प्यास सब गायब हो जाती है, तन बदन में जैसे आग लग जाती है। नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हकलाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते बिट्टो, वे तेरे पापा हैं। क्या? पिंकी को जैसे बिच्छू ने डस लिया हो। नानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सचमुच मम्मी इस शख्स से शादी करने जा रही है? ओ ना नानी, तुमने तो उन्हें मजबूर नहीं किया ना। एक जरा से जमीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कोई जरूरी था? नानी कुछ देर तक टुकुर टुकुर उसे देखती रही, फिर डूबती सी आवाज में बोली, वे सचमुच तेरे पापा है पिंकी। और वह अंकल वाली बात? वह तो तेरी मम्मी के डर से मैंने ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतने बड़े झूठ से उबार लिया। पिंकी सिर पकड़कर बैठ गई। तो यह वही शख्स है जो उसे इतनी सी छोड़कर अमेरिका चला गया था। अब 12 साल बाद इसे बीवी और बच्चे की सुधा ही है, क्यों? नानी, ये महाशय तो अमेरिका गए थे ना, फिर लौट क्यों आए? क्या गोरी मैम ने गेट आउट कर दिया? तेरे हाथ जोड़ती हूँ पिंकी, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर। बड़ी मुश्किल से तेरी मम्मी को मनाया है, अब तू मेरे किए कराए पर पानी मत फेरे। पिंकी बुद्ध बनी नानी को देखती रही। नानी कहे जा रही थी, तू बता, गलती किससे नहीं होती? फिर विलायत तो महानगर है, अब सराव का देश है। ऐसे में तो ऋषि मुनियों का मन भी डोल जाता है। आदमी की क्या बिसात है, समझ लो कि अपने ही भाग्य का फेरा था जो उसकी मति भ्रष्ट हो गई। अब अपने ग्रह सीधे हो गए हैं तो उसने अपने आप सुमति आ गई, माया का पर्दा हटा और तुम लोगों की याद आ गई। तब से बेचारा बराबर चक्कर लगा रहा है, पर तेरी मम्मी अब जाके पसीजी है। मैंने तो साफ कह दिया था, तुझे पति की जरूरत नहीं है तो ना सही, बेटी को तो बाप चाहिए। अपनी जिद के लिए तू उसका छत्र क्यों छीनती है? बाप के रहते बेटी अनाथ क्यों कहलाएगी? और कल को जब इसकी शादी होगी तब दुनिया को क्या बताओगी? यही ना कि इसका बाप ना मरा है ना जिंदा है। बाप बाप बाप, पिंकी को लगा कि ये बातें सुनते सुनते उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। बेटी के लिए बाप अगर इतना ही जरूरी था तो उसकी कोई ढंग की तस्वीर तो उसके मन में रहने दी होती। उसने तो बचपन से पिता को एक खलनायक के रूप में ही जाना है, हमेशा उसके अनाचार की कहानियां ही सुनी है, जैसे कि सहेजने लायक एक भी मीठी याद मम्मी के पास ना हो। इस घर से पिता की हर याद नामो निशानी झाड़ पोछ कर फेंक दिया गया है, एक फोटो तक बाकी नहीं है। और अब इतने सालों बाद मम्मी उन बिखरे धागों को समेटने चली है। इस पर तुर्रा यह कि यह सब पिंकी के लिए हो रहा है। अरे बेचारी पिंकी की औकात ही क्या है, उसका इतना ही ख्याल होता तो उसके बचपन को यूं ही सुना ना किया जाता। पिता बहुतों के नहीं होते, पर उनकी मधुर यादें होती है, उन यादों से मन बहल जाता है, सुनापन सवर जाता है। आज जब उसे पिता शब्द से ही वितृष्णा हो गई है तो उनका आसन फिर से झाड़ पोछ कर चमकाया जा रहा है। अगर यह सब पिंकी के लिए हो रहा है तो कोई उससे पूछता क्यों नहीं? उसकी राय का कोई महत्व नहीं है, या कि वह भी समझौते की एक शर्त भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी नीर का निर्माण। फिर